हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पोगो वर्ल्ड 1985। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा चिल्ला से ऋषिकेश का रास्ता। आइए आप मेरे साथ इस वीडियो में। फ्रेंड्स, ये रास्ता ज्वालापुर से निकलता है और ये हाईवे पे मिलता है ऊपर, और इसी रास्ते से आप हरिद्वार और ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी और नजियाबाद की तरफ आप जा सकते हो। ये हाईवे बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन हाईवे बना है। ये 6 लेन हाईवे है। इस हाईवे के बनने से बाहर से जो भी टूरिस्ट हरिद्वार आते हैं उन्हें आने जाने में बहुत ही सहूलियत होती है, और इसमें ट्रैफिक भी बहुत आराम से पास हो जाता है। ये फ्रेंड्स, ये गंगा घाट है। ये जगह जगह पर गंगा घाट बनाए गए हैं, जो तीर्थयात्री आते हैं गंगा नहाने के लिए तो वो यहाँ पर नहाते हैं घाट पर। ये आप फ्रेंड्स स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ऋषिकेश 26 किलोमीटर, जोलीग्रांट 43 किलोमीटर और देहरादून 54 किलोमीटर लगभग यहाँ से है। आज मैं आपको चिल्ला रोड से ऋषिकेश लेके चलूँगा, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये हरिद्वार गंगा का व्यू है। ये बहुत अच्छा घाट बनाया गया है। ये हरिद्वार का एक तिरछा पुल था, उसी पे ये घाट बनाया गया है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हरिद्वार से ऋषिकेश बाय चिल्ला रोड से लेके जाऊंगा, और उस रोड पर जंगल सफारी, राजा जी नेशनल पार्क और चिल्ला रोड भी इसी रोड पर पड़ेगा, तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं रास्ते की पूरी जानकारी आपको देता रहूँगा। ये हरिद्वार जहाँ पे यात्री आते हैं गंगा नहाने, वो यहाँ का व्यू है। फ्रेंड्स, ये चिल्ला रोड है। ये हरिद्वार वीआईपी घाट से मुड़ती है, और अब हम चिल्ला रोड पर पहुँच रहे हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये भीमगोड़ा बैराज है। ये भीमगोड़ा बैराज है और ये चिल्ला रोड पर ही बना हुआ है। इसी पुल से हम चिल्ला रोड से होते हुए ऋषिकेश पहुंचेंगे, और एक दूसरा रोड है वो चंडी पुल पार करने के बाद लेफ्ट साइड से भी एक रास्ता गया है, वो भी आगे जाके चिल्ला रोड पे ही आके मिलता है, और उससे हम ऋषिकेश जा सकते हैं। फ्रेंड यहाँ से अब भीमगोड़ा बैराज ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद अब चिल्ला रेंज शुरू हो जाती है। ये रोड ऋषिकेश जाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट रोड है, क्योंकि इस रोड पर नेचुरल आपको जंगल मिलेगा और शांत माहौल मिलेगा बिल्कुल। ये चिल्ला रेंज स्टार्ट हो गई है, आप देख रहे होंगे चारों तरफ कितना नेचुरली खूबसूरती है यहाँ पर, और पेड़ कितने अच्छे घने जंगल से होता हुआ ये रास्ता जाता है। ये फ्रेंड यहाँ से चिल्ला रेंज शुरू हो जाती है। आगे 4 किलोमीटर आगे राजा जी नेशनल पार्क के लिए आप जंगल सफारी के लिए जब जाते होंगे, तो वहाँ से आपको जंगल सफारी भी करने का मौका मिल जाता है, ये भी इसी रोड पर मिलेगा आपको। और फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कितना खूबसूरत यहाँ का जंगल है, और इसी जंगल को होते हुए आप ऋषिकेश जा सकते हो। ये रोड जो है सीधी ऋषिकेश जा रही है। जो हरिद्वार आते हैं बहुत कम ऐसे यात्री होते हैं जिनको इस रास्ते का पता होता है, और जिनको पता है वो अधिकांश इसी रास्ते से जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो ट्रैफिक मिलता है और बहुत ही शांत रोड पड़ी रहती है ये। तो फ्रेंड्स, आपको आज मैं पूरा यहाँ का व्यू दिखाता हूँ और इस रोड के बारे में बताता हूँ, तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे राजा जी टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है। यहाँ से आप राजा जी नेशनल पार्क में जा सकते हो। ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हीं जिप्सी को आप बुक करके अंदर टाइगर रिजर्व पार्क में जा सकते हो। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में टाइगर रिजर्व पार्क के बारे में पूरी डिटेल बताई है, आपको अगर उसकी डिटेल चाहिए तो आप वो वीडियो को चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब हम राजा जी नेशनल पार्क को पार कर दिया है, और हम थोड़ा अब आगे चल रहे हैं। अब थोड़ी दूरी के बाद यहाँ पर ऋषिकेश रोड यहाँ से कट रही है, और आगे चिल्ला डैम भी है, उसका व्यू भी मैं आपको कराता हूँ।
ये यहाँ से चिल्ला ऋषिकेश के लिए रोड मुड़ रही है। कितना बेहतरीन यहाँ का व्यू है फ्रेंड्स, देखिए। और ये फ्रेंड्स टूरिस्ट रिजर्व चिल्ला पार्क है। यहाँ पे जो फ्रेंड्स जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पे रुक सकते हैं। और उसके बाद ये एक ब्रिज बना हुआ है नहर के ऊपर, और इसी के साथ में अब यहाँ से आपको मैं चिल्ला डैम दिखाता हूँ। ये फ्रेंड्स अब आपके सामने जो ये स्क्रीन पर दिख रहा है ये चिल्ला डैम है। ये ऋषिकेश जब आप जाओगे चिल्ला रोड से होते हुए तो ये चिल्ला डैम पड़ता है। इस डैम की वीडियो भी मैंने आप अपनी YouTube चैनल पर बनाई हुई है, अगर आपको वो देखनी है तो आप उसे भी चेक कर सकते हो, देख सकते हो, उसके बारे में भी मैंने पूरा डिटेल में बताया गया है। ये फ्रेंड्स ये रोड देखिए कितनी बेहतरीन रोड है, और कितनी यहाँ पर अब चढ़ाई आपको दिखाई देगी स्क्रीन पर। ये देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत यहाँ का व्यू है। ये देखिए फ्रेंड्स ये पूरी चढ़ाई है ऊपर, पूरी स्ट्रेट चढ़ाई है ऊपर की तरफ फ्रेंड्स। ये लगभग 30-40 फुट ऊपर सीधी खड़ी चढ़ाई है, और यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। जो भी पर्यटक इस रास्ते से ऋषिकेश जाते हैं उनको बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही मज़ा आता है इस रोड पर जाने में। और इस रोड के साइड में ही गंगा नदी बह रही है, ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कितनी खूबसूरत यहाँ का व्यू है देखिए फ्रेंड्स, साइड में पहाड़ हैं और नदी बह रही है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है फ्रेंड्स। ये टाइगर रिजर्व पार्क का ये जंगल सफारी का ये लास्ट है, यहाँ से अब हम ऋषिकेश के लिए पुल क्रॉस करेंगे। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये ऋषिकेश रोड के लिए अब हम नहर को पार कर रहे हैं। और ये आप बोर्ड पे भी देख रहे होंगे ये सीमा समाप्त हो जाती है यहाँ पे चिल्ला रेंज की, और यहाँ से अब शुरू हो जाता है ऋषिकेश के लिए। फ्रेंड्स मैंने एक एक स्टेप बताया है इसमें आपको ऋषिकेश जाने के लिए। ये सीधी रोड अब ऋषिकेश के लिए जा रही है, यहाँ से थोड़ा सा एक सूखी नदी आएगी आगे चल के, उसको बस हमें पार करना है और उसके बाद सीधा हम ऋषिकेश में एंट्री कर जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ये अब आगे चल के आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर, यहाँ से हम राइट हैंड में टर्न होंगे और उसके बाद लेफ्ट हैंड से टर्न होना है, और एक सूखी नदी आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अब हम राइट हैंड में टर्न हो रहे हैं। और आगे चल के अब लेफ्ट हैंड से टर्न होना है हमें। और ये आप सामने देख रहे होंगे ये सूखी नदी है, यहाँ पर जो बारिश का एक्स्ट्रा पानी आ जाता है वो यहाँ से पास होता है। अब हम इस नदी को पार कर रहे हैं, सूखी नदी को। और सूखी नदी पार करने के बाद लगभग 2-2.5 किलोमीटर के आगे अब हम ऋषिकेश में फिर एंट्री कर जाएंगे। ये हमने सूखी नदी को पार कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत यहाँ का व्यू है, सामने पहाड़ दिखाई आपको दे रहे होंगे, और कितनी शांत रोड ये पड़ी हुई है। जो भी हरिद्वार से ऋषिकेश जाना चाहते हैं
वो इस रोड से जाएं, यहाँ पर क्या है कि ट्रैफिक बिल्कुल 0% ट्रैफिक है, और रास्ते के साथ साथ आप यहाँ के मनमोहक दृश्य भी आपको देखने को मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, रास्ते में नदी के साथ साथ आपको जंगल, पहाड़ और शांत माहौल मिलता है। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कितना शांत माहौल है, और ट्रैफिक भी 0 के बराबर है बिल्कुल। ये फ्रेंड्स, अब चिल्ला रोड यहाँ से ख़त्म हो रही है और अब हम एंट्री कर रहे हैं बैराज डैम में। ये ऋषिकेश बैराज डैम है और इसको पार करते ही हम ऋषिकेश में एंट्री कर जाएंगे। ये डैम भी गंगा नदी पर बना हुआ है और ये डैम बहुत ही बड़ा डैम है, और इस डैम को पार करते ही हम ऋषिकेश में एंट्री करते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत डैम है। और इस डैम की दूरी भी लगभग 1 किलोमीटर दूरी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये अब एम्स के हम हॉस्पिटल के ठीक सामने निकलते हैं। ये एम्स हॉस्पिटल है ऋषिकेश में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।